हाँ जी प्रधान जी, कितना सारे वधिया ने? चढ़दी कला ही रहनी चाहिए। तो स्वागत है तुहाडे अपने भाई दे यूट्यूब चैनल पर। जो अज की वीडियो है भाई, वो आप कोस्टर मिनी बस से रिलेटिव बनानी है, मतलब क्या फीचर है तो थानू सारे दसते हैं। उतो पहले थानू दस दिए कि तुहाडे भाई की जी सैड चेंज हो चुकी है, तो अज भाई थोड़ा नवी सैड पर आया सीगा। तो टाइम इस वेला भाई 9:30 हो रहा, और भाई एक बार व्यू देख लो बाहरली सैड का, जो कि थानू नज़र आ रहा होना कि थोड़े भाई का सैड चेंज हो गया। उधर भी बस लगी हुई है, बड़ी बस लगी हुई है टाटा की, और इधर भी बस टाटा की लगी हुई है। पर अज जो असं बनाना ब्लॉग भाई आप छोटी गड्डी का बनाना गा, और थोड़े भाई फ्री सगा क्योंकि थोड़े भाई हजे तक लोडर मिलया नहीं है। लोडर मेरा जोड़ा दूसरी सैड पर ही है, तो जब तक तो भाई मैं फ्री है। तो हूँ थानू बाली एक नहीं भाई दिख लियो, कुछ इस तरीके का व्यू है भाई। तो अगर चैनल में सबसक्राइब नहीं किया चैनल में सबसक्राइब कर लो। तो थानू दसदे हैं ये कोस्टर के बारे की फीचर है और कितना ऑपरेट करते हैं इनू। तो भाई सब तो पहले तो आ गया लॉक, यह खोलता गा सी ते आ जाने सारे तो पहले भाई आ जाए क्लच ब्रेक एक्सलीटर। ठीक है भाई, यह देख लिया, ये आ गया भाई थोड़ा बोलट का जोड़ा, मतलब बोलट खुलता ना जी वह आ गया, और उपर आ जाए उपर आ गया ये अपना डोर का जी ऑन ऑफ का। तो ये मतलब एसी के बलोर आ गए ने, तो कुछ इस तरीके का भाई यहाँ छोटा सा डैशबोर्ड देख सकते हो। और भाई इस पे टोयोटा कंपनी की है, और इसमें बीच में आपको हॉर्न मिल जाता है, और ये आ गया भाई आपकी डंडी जो कि हेडलाइटों के काम आती है, पार्किंग हेडलाइट, और डिपर भी भाई इसमें होते हैं। और इसमें भाई आपको राइट लेफ्ट का इंडिकेटर भी मिल जाता है राइट लेफ्ट करने के लिए। और ये भाई इसके लोग हैं, और कुछ इस तरीके से भाई इसकी विंडो है जो दरवाज़ा कुछ इस प्रकार से है, और आपको यहाँ पे सामान रखने के लिए स्पेस भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आ गया भाई गियर, और जो ये गियर है क्लच दबा के फिर गियर में डालना होता है इसको, जैसे ये अभी न्यूट्रल है, और ये इसका भाई तीसरा गियर, ये मतलब ये भाई इसके टोटल 6 गियर हैं, और पहला दूसरा तीसरा चौथा पंजवा, और यहाँ से रिवर्स साइड में इस तरीके से करके आगे को करने से ये इसका बैग डल जाएगा। और इसमें आ जाता है भाई आपको एसी वगैरह, और यहाँ पे आपको डेक वगैरह मिल जाता है जो कि कंपनी फिटेड ही का होता है इसमें। और यहाँ पे आपको एसी ऑन करना है तो इधर से ऑन करके आपको कितने पे रखना है, हाई पे लो पे जैसा भी आपने एडजस्ट करना है यहाँ से कर सकते हो। और आपको यहाँ पे हवा का दिया गया है भाई अंदर, जैसे ये कर लिया तो बाहर की जो हवा है वो अंदर आएगी और यहाँ से नहीं आएगी। तो ये मतलब आपको मिल जाता है कि मतलब नीचे करना है एसी की हवा कहाँ चाहिए, नीचे ऊपर, और जैसे भी है एडजस्टमेंट शीशे के भी भाई दिया हुआ है, क्योंकि भाई यहाँ पे ओस वगैरह डलती है ना, तो आपको सबको मालूम ही होगा यहाँ पे हो जाता है। तो भाई मीटर की बात करें आपको यहाँ पे टम्परेचर का, स्पीड का, और डीजल का यहाँ पे आपको मिल जाता है। और इस तरफ भाई जो वाइपर की डंडी दी हुई है वो मिल जाती है आपको, तो मतलब भाई आरामदायक है चलाने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। वो मिरर आपको मिल जाता है, और वहाँ पे भाई आपको टाइम मिल जाता है, और जो भाई एसी का फ़िल्टर होता है ना, कई भाइयों को एसी का नहीं पता होता कि फ़िल्टर कहाँ पे है, तो भाई ये एसी का फ़िल्टर यहाँ पे दिया होता है जो ये है, इसको खोल के मतलब एसी की जो जाली वगैरह होती है वो साफ़ करने के आसानी हो जाती है। तो भाई कुछ इस तरीके से कैबिन है इसका, देख लो भाई। और भाई ये 22 सीटर है गाड़ी, 22 सवारियाँ इसमें बैठ सकती हैं, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है 4x4 का। और यहाँ पे आ गया आपका बोनट जो भी इसके नीचे है, ये इसको खोल के मतलब सर्विस वगैरह होती है, तो मतलब काफ़ी कुछ दिया हुआ है। और ये आपको लाइटिंग में मिल जाता है, जैसे ये फ्रंट ये लाइट दबाने से ये लाइट जलेगी, और ये कराने से पीछे बैक दो लाइटें। ठीक है भाई,
तो कैसी लगी भाई वीडियो बताना आप ब्लॉग में। तो और ये भाई यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है और सीट एडजस्ट करने के लिए मिल जाती है।